तो हेलो, कैसे हो सारे? आप सबका स्वागत है मेरे आज के न्यू वीडियो में। अपनी आज की वीडियो को अपन कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपन बात करने वाले अपन मेजी के बारे में। तो जैसे कि हमको पता है कि बहुत सारी टीम से अलग अलग न्यूज़ आ रही है कि इस टीम में चेंजेस होने वाले या उस पर्टिकुलर टीम में चेंजेस होने वाले। तो मेजी ने इसी के रिगार्डिंग एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि जो BGMI में ट्रांसफर्स होते हैं उनका आज तक कभी समझ ही नहीं आया कि मतलब किस टाइप से वो ट्रांसफर होते हैं, क्या उसका प्रोसीजर रहता है। एंड जैसा कि हमको पता है कि रिसेंट में कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हमें देखने को मिल रही है, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि मसाला रुकना नहीं चाहिए। एंड बेसिकली यही दोनों के ट्वीट्स थे। इस पे आपको क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताना। अपनी वीडियो को अपन आगे बढ़ा लेते हैं। अपन बात करने वाले अपन स्नैक्स के बारे में। तो स्नैक्स जब लाइव आए थे, लोग उनको बार बार बोल रहे थे कि गॉडलाइक क्वालिफाई हो चुकी है, तो इस चीज पे अपन स्नैक्स ने अपन रिप्लाई करा था। जो स्नैक्स का पूरा रिप्लाई था वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेन्युइनली बोलो, अगर गॉडल भी बाहर हो जाती ना सोल ना गॉडल, थोड़ा टूर्नामेंट पे इम्पैक्ट पड़ता क्योंकि दो मेजर फैन फेवरेट टीम्स बाहर होगी और मोगो भी नहीं कर पाई, सीजी भी नहीं कर पाई, जी भी नहीं कर पाई। मतलब इतने सारे मेजर टीम्स बाहर होना, मतलब इट्स अ वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द व्यूअरशिप एंड ऑल सब कुछ। बट अभी टूर्नामेंट में मजा आएगा क्योंकि सारे लोग वो गॉडल का रिडेम्पशन देखना चाहेंगे लैन पे और मजा आएगा। मैं तो जेन्युइनली चाहता हूँ टॉप 5 टॉप 3 आए लैन में भी, क्योंकि ना उनसे उनकी वहां से स्टोरी अच्छी बनेगी उनकी और ईस्पोर्ट्स में ऑडियंस फिर पावरफुल आएगी नेक्स्ट टूर्नामेंट में कि भाई हमारी टीम ने भी किया था। अब तुम बोल नहीं सकते कि हम लोग क्वालिफाई नहीं किए, ये नहीं किए, वो नहीं किए, समझ रहे क्या? अभी ऑडियंस के बीच में अच्छा खासा बैंटर चालू होगा और सही है पंक के लिए बहुत। मैं इसको तुरंत मैसेज किया मैं पंक, मैं बोला भाई पंक मचा दिया भाई पंक, उसको तुरंत मैसेज किया था मैं। उसके लिए खुशी होती मेरे को, बंदा एग्जो से मैं उसको जानता हूँ, उसके लिए खुशी होती यार। क्योंकि मेरे हिसाब से पंक भी, आई गेस पंक भी जब से एग्जो छोड़ा उसके बाद से कोई लैन गया नहीं और अब फाइनली वो जा रहा है, तो उसके लिए खुशी होती यार दिन से। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं पर ओवेस के बारे में। तो ओवेस जब लाइव आए थे तो लोग उनको पूछ रहे थे कि सीजी के साथ अभी कुछ चेंजेस होने वाले हैं क्या, तो उसका रिप्लाई करते उन्होंने बताया था कि जो सीजी के अंदर हो रहा है आपको सीजी के अंदर ही पता चल जाएगा। इसी के साथ साथ वो बात करते कि क्या जो फाइनल्स में न्यूमैन की टीम क्वालिफाई हो चुकी है तो क्या हमें ड्रॉप क्लैश देखने को मिलेगा ओजी के साथ। तो इस चीज़ पर ओवेस ने पूरा रिप्लाई करा था, तो वो भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्रो ओजी के साथ फाइनल्स में ड्रॉप क्लैश होगा क्या? देखो भाई चुम्मा सेरा तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वहीं उतरेंगे। फिर वो ऐसा है कि हम लोग बहुत टाइम से वो ड्रॉप पे खेल रहे हैं यार, हम क्यों चेंज करें? जिलो का ड्रॉप नहीं था वो, उनको चेंज करना चाहिए, हमारा ड्रॉप तो है ना वो। और अगर सिचुएशन कुछ आई ऊपर नीचे ना, अगर सिचुएशन ऐसी कुछ आई चेंज में या वो, फिर वो बात का बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल तो मैंने इनको बोला हूँ कि नहीं, हम एलाजर और रुइंस भी तो है ना, लेकिन अपने पे, हाँ अपने पे एलाजर रुइंस है बट वो हमारे प्लेन पाथ पे डिपेंड करता है ना, वो हमारा प्लेन पाथ के ऊपर है। हमारा प्लेन पाथ नहीं रहेगा तो हम जाएंगे, बट प्लेन पाथ अगर चुम्मा का है तो हम चुम्मा जाएंगे यार, उतरेंगे। हम स्टार्टिंग में इसलिए नहीं उतर रहे थे क्योंकि यार हमें क्वालिफाई करना था, क्योंकि हमारा सबका पहला था इसलिए हम नहीं उतर रहे थे, वरना हम उतरते ही उतरते। अरे देखो हम लोग को कहीं से भी खेलने आता है, मैं आपको सच बता देता हूँ, हमको कहीं से भी खेलने आता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई भी ड्रॉप से खेल सकते हैं, हम एलजार से भी खेल सकते हैं, हम रोहिन से भी खेल सकते हैं, हम चुम्मा से भी खेल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड जैसे कि आपने देखा कि कुछ टाइम पहले अपने पर सीजी के बारे में बात कर रहे थे, हमको पता है कल क्या पूरा मैटर हुआ है। ओमेगा का मैसेज हमें देखने को मिला, हेक्टर की लाइव स्ट्रीम देखने को मिली, गॉब्लिन ने ओमेगा पे एलिगेशन लगाए एंड फिर वापस ओमेगा ने रिप्लाई करा, पूरी चीज़ हमें अपने यहाँ पर देखने को मिली। मतलब मसाला तो भयंकर आया, मतलब कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, देखने को अच्छा नहीं लगा कि इतने जो पास में इतने अच्छे फ्रेंड्स थे उनके बीच में इतनी बड़ी लड़ाई हो चुकी, इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो चुकी, देखने में तो अच्छा नहीं लगा है। एंड जैसे कि हमको पता है कि जब हेक्टर लाइव आए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया था कि उन्होंने टीम के लिए सोल को लीव करा था, मतलब वो चाहते तो सोल के अंदर कर सकते थे, मतलब सोल का ऑफर था उनके पास। तो इसी पर ओमेगा ने रिप्लाई करते हुए लिखा था, सोल से ऑफर छोड़ के आया, करते हैं सारी बात, सबर करो, डर के रहे हो, इसका असली सच भी तो पता ही है ना डीप डाउन, बस सबको आकर अच्छे से बता दूंगा, कर लो 5 दिन और मौज मस्ती या जितनी भी सिंपति गेन करनी है कर लो, खूब सारी बातें करनी है, आराम से बैठ के करेंगे, बन लो शरीफ तब तक।
बेसिकली यहाँ पर ओमेगा का स्टेटमेंट, उनका कहना ऐसा है कि जो हेक्टर है वो सबके सामने बहुत ज़्यादा शरीफ बन रहे हैं, मतलब हेक्टर गॉब्लिन सबके सामने शरीफ बन रहे हैं, सिंपैथी गेन करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड अब देखते हैं हमें आगे क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट तो वो होगा कि जब ओमेगा लाइव आएंगे तो वो इन सब चीज़ों पर क्या रिप्लाई करेंगे। जैसे कि हमको पता है कि गॉब्लिन ने उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि टूर्नामेंट से एक एक महीने पहले जो ओमेगा अपने घर चले जाते थे इसलिए हेक्टर को आइसोलिंग करनी पड़ती थी, इसी वजह से जो ओमेगा उन्होंने हेक्टर को बेंच कर दिया था। एलिगेशन तो देखो ये बहुत बड़ा है, तो इसको ओमेगा क्या रिप्लाई करेंगे वो भी देखना रहेगा। एंड अपनी वीडियो को अपन आगे बढ़ा लेते हैं, अपना बात करने वाले आइकू सोल के बारे में। तो जैसे कि हमको पता है कि कल जब माया भी लाइव आए थे तो उन्होंने कंफर्म करा था कि टीम सोल के अंदर, टीम आइकू सोल के अंदर एक चेंज कंफर्म होने वाला है। अब उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो प्लेयर का चेंज है, मैनेजमेंट का चेंज है या फिर रूल्स का चेंज है, उन्होंने सिर्फ बताया था कि चेंज होने वाला है। अब जो लेट्स गो स्पोर्ट्स है उन्होंने एक ट्वीट करते हुए बताया था कि उनके सोर्सेज के हिसाब से जो स्किप्स है वो आइकू सोल ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब उनका बीजेएमआई रोस्टर ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो किसको रिप्लेस कर रहे हैं। अब देखो जो लेट्स गो स्पोर्ट्स ने भी जो लीक डाली उनके सोर्सेज के हिसाब से तो हो सकता है कि 100% सही ना हो, हो सकता है कि चेंजेस हो जाए, कुछ हमें आगे पता नहीं। एंड अभी अगर आप स्किप्स का इंस्टाग्राम अकाउंट खोल के देखेंगे तो उसमें सब यही कमेंट कर रहे हैं कि वेलकम टू सोल, सोल में आपका स्वागत है, ये सब चीज़ अभी चल रही है, तो देखते जो स्किप्स वो ज्वाइन करते हैं या फिर नहीं। एंड लेट्स गो स्पोर्ट्स का बात चली रही है तो उन्होंने एक और ट्वीट करा था एक आध दिन पहले जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि उनके सोर्सेज के आपसे जो जी है वो डिसबैंड होने वाली है, उनका पीजीएमआई रोस्टर डिसबैंड होने वाला है। एंड दो दिन पहले जो ऋषि भाई है जो ग्लोबल स्पोर्ट्स के ओनर है उन्होंने ट्वीट करा था जिसमें उन्होंने लिखा था एंड ऑफ एन एरा। एंड ये दोनों ट्वीट जो टाइमिंग पाए उससे तो यही लग रहा है कि ग्लोबल स्पोर्ट्स की बीजेएमआई लाइनअप के साथ कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले। अब देखते क्या वो चेंजेस रहेंगे, आपके क्या कैसे से आप कमेंट्स में बताना। अपन अब बात कर लेते हैं पर कमलजीत पाजी के बारे में। जब वो लाइव आए थे तो वो बात करते गॉडलाइक के बारे में, कर्मा के बारे में, एंड जो फैंस से जो प्रे करते गॉडलाइक के लिए उस सब चीज़ों के बारे में वो बात कर रहे थे, तो उनका पूरा रिप्लाई आप देख लो। आई फील गॉडलाइक फैंस को वापस से ना हल्का सा बोला गया कुछ तो भी। आई जस्ट वांट टू एड्रेस दिस थिंग कि हर मैच के पहले हमारे जो फैंस हैं भगवान को याद करते हैं, ये टीम से इतना ज़्यादा अटैच्ड है, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बुरे वक्त में भी अच्छे वक्त में भी, दैट इज़ गॉड लाइक फैन फॉर यू। एंड इसके लिए ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाले की लाठी पड़ती है कि किसी को कभी नीचा दिखाना नहीं चाहिए, किसी को कभी नीचा दिखाना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल कि एक सच्चा फैन जो हमारा गॉड लाइक का फैन है, हमारा वो फैन हमारे लिए ये सब करता है, हमारे लिए। मेरे को बाकी होगा, मेरे को किसी से बात नहीं करनी, बाकी भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, मैं दुनिया में ऐसा करता हूँ कि मतलब कि मैं मेरी नज़र में जब तक मैं किसी से मिलूँ जब तक मेरी नज़र में बंदा कुछ बुरा ना करे, मेरी नज़र में सारे बंदे अच्छे हैं, सारे बंदे अच्छे, क्योंकि एंड ऑफ द डे सारे बंदे में कुछ ना कुछ अच्छी अच्छाई होती है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, ये मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आई डोंट वॉन्ट टू गेट दिस स्मॉल मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इट कैरिड अवे नहीं होना, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट वी स्टिल हैव समथिंग टू अचीव। फिनाले पहुंच गए, माना वो कर छूटा, बट द अल्टीमेट गोल इज दैट गोल्डन ट्रॉफी, that golden trophy. To be very honest, just keep sending positive messages. कहाँ पे भी अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई नीचा दिखा रहा है, just a humble request, आप लोगों को humble request हाथ जोड़ के, I know you guys love us a lot, बहुत ज़्यादा प्यार देते हो यार, उसमें कमी नहीं है, समुंदर है आप लोगों का प्यार, but अगर आप लोगों को कोई या हम लोगों को कोई गाली वाली देता रहेगा, just ignore and block, because this is the time we need to focus on the finals, and बस और उस चीज़ पर focus करना है। आप लोग किसी से लड़ाई मत करो, ठीक है, किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं, आप लोग बस शांति प्रिय बनाए रखो, शांति प्रिय की बोला मैंने, शांति बनाए रखो, थोड़ा भावना में शांति प्रिया बोल दिया, शांति बनाए रखो और कुछ नहीं। इतने साल ये लोग ने कितना कुछ, अरे कोई बात नहीं फरदीन भाई, कोई बात नहीं अगर आप मेरी पोजीशन में आओगे आप भी हमको यही कन्वे करोगे मैसेज, अगर आप मेरी जगह रहते हैं या फिर मैं आप भी यही मैसेज कन्वे करोगे पॉजिटिव बनाए रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी लाठी क्या होती है, सबसे बड़ा सबक क्या होता है, ऊपर वाले का होता है सबसे बड़ा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज़ हमारे भी हिट हुई है, हमने भी जब हमारा प्राइम टाइम चल रहा था, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि दूसरों के बारे में मैं बात नहीं करूँ, हमारे हमने भी कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हुए, हम भी बचे, वो लाठी हमें भी पड़ी है, कोई बोले या ना बोले मेरे में इतना गुदा है, हमारी जो गलतियां मैं वो भी बताऊंगा, हमने भी किया है, उस चीज़ से हम सीखे अभी। एंड अपन बात करने वाले टीएक्स के बारे में, तो अभी बहुत सारे लोग कम्युनिटी में कर्मा के बारे में बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि अभी आपने चार पांच लाइव स्ट्रीम जैसे देख ली होगी जहाँ पर अलग अलग टीम के प्लेयर्स अलग अलग लोगों के बारे में कर्मा के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्प्रिगोट कल जब लाइव आए थे तो वो भी एक कर्मा के बारे में बात कर रहे थे, अब किसके कर्मा की बात कर रहे थे वो तो ऑफकोर्स उन्होंने रिवील नहीं किया था, पर जो स्प्रिगोट का पूरा रिप्लाई था वो आप देख लो। गाइस कुछ दिनों में आपको एक न्यूज देखने को मिलेगी जिससे आप लोग चौंक जाओगे। अभी थोड़े दिन में तुम्हें एक क्या तुम्हें अब इस चीज को मैं कैसे बताऊं कि मतलब एक इंटरेस्टिंग सी तुम्हें न्यूज देखने को मिलेगी या कुछ भी देखने को मिलेगा, तुम देखना थोड़े दिन रुक जाओ। हिंट,
हिंट यार, हिंट तो नहीं दे सकता मैं यार, डॉक्यूमेंट्री नहीं है यार, ना स्पॉन्सर के रिलेटेड है, बट एक ही जर्सी चेंज है कि भाई है बीजेपी वाली जर्सी, शायद से चेंज होगी, अच्छी एक जर्सी आएगी। हिंट दो ना इशिका, वही जो मैंने तुम्हें बताया था, कर्मा हिट कर जाता है गाइस, स्प्रे भाई कार ले रहे हैं। हाँ वो तो ले रहा हूँ मैं, जल्दी लूंगा। एंड एट लास्ट वापस हम बात कर लेते हैं TX के बारे में। तो मोगैम्ब अपने व्लॉग में बात करते TX वीरू के बारे में, बेसिकली में कहने का था कि जो वीरू TX ज्वाइन कर रहे हैं, ऑफकोर्स वो फनी वे में बोल रहे थे, बैंटर कर रहे थे। बेसिकली एक बंदा है जो TX के बूट कैंप है, वो वीरू की तरह थोड़ा बहुत दिखता है, तो यहाँ पर जो TX के प्लेयर्स है वो उन पर बैंटर कर रहे थे 18 घंटे ग्राइंड के नाम से। तो जो क्लिप थी वो आप देख लो। तो अभी हम यहाँ पे बैठे थे ऐसे, और ये कौन खेल रहा है बे? ओ ये तो वीरू है, वीरू ग्राइंड कर रहा है गाइस, वीरू ग्राइंड कर रहा है, ये देख लो 18 घंटे ग्राइंड चल रही है। बस बोलता हूँ भाई, अभी जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, चाय अभी आ रही ऊपर, बस टेंशन मत ले भाई, वीरू का ग्राइंड तो देख 18 घंटे ग्राइंड चल रहा है, आएगा जब से TDM भाई कैमरे में देखकर तो बोल रहा है कुछ भाई वीरू का ग्राइंड देख लो, वीरू आ चुका है TDS बूट कैंप में फाइनली, तो बहुत जल्द टीम को ज्वाइन करेगा, तो फिर अनाउंसमेंट भी कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है चलो, अभी थोड़ा चाय भाई पियेंगे, सारे चाय पीने का मन है भाई सबका, फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो चलो गाइस, लायन किंग पोज देखो फिर से रिक्रिएट, लायन ये भाई बहुत शैतान हो गया है अपना। और भाई 18 घंटे ग्राइंड हो गई आज की, हो गई भाई, वीरू ने ग्राइंड कर ली 18 घंटे की, अभी वीरू जाएगा घर भाई। एंड बस अपने आज की वीडियो कर लेते पर खत्म, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।